डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं आप, टेंथ क्लास में हम लोग अम्ल और क्षार लवण को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं। जो बुक के बीच में का जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो पहले लिख लिया जाए पहले क्वेश्चन, फिर हम उसको समझाएंगे कि आखिर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। लिखेंगे H प्लस आयन, H पर ऊपर ऐसे प्लस दे देना है, फिर आयन लिखना है, ठीक है। इसको H प्लस आयन लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। लिखा जाए H प्लस आयन की सांद्रता की विलयन की प्रकृति पर, सांद्रता की विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H प्लस आयन का जो सांद्रता है उस विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन बोला जा रहा है। H प्लस आयन की सांद्रता के विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमको पता है भाई कि अगर कोई भी पदार्थ अम्लीय होता है, उसका H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ता जाता है, जबकि कोई पदार्थ अगर क्षारीय होते हैं, H प्लस आयन क्या होती है, घटते जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अम्लीय माध्यम रहेगा, जब अम्लीय पदार्थ रहेगा, तो H प्लस आयन जो है समान अनुपात में बढ़ेगी, लेकिन जब अगर कोई क्षारीय होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति क्या है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर कोई अम्लीय होगा तो H प्लस आयन की सांद्रता समान अनुपात में बढ़ेगी, समानुपाती होगी, और अगर वो क्षारीय होगा कहीं ना कहीं कोई पदार्थ, तो वहाँ H प्लस की आयन क्या होगी, घटेगी। तो चलिए इसका उत्तर लिखा जाए। दूसरा का उत्तर लिखेंगे H प्लस आयन की सांद्रता का, H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की अम्लीय प्रकृति के, विलयन के अम्लीय प्रकृति के समानुपाती होता है, अम्लीय प्रकृति के समानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, विलयन की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। पूर्ण विराम, जब H प्लस आयन की सांद्रता, जब H प्लस आयन की सांद्रता घटती है, तो जब H प्लस आयन की सांद्रता घटती है तो अम्लीय प्रकृति भी घटती है और क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, और क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। जी, आपको पता होना चाहिए कि जो पदार्थ जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उसमें H प्लस आयन की मात्रा उतना ही ज़्यादा होगा। अगर कम अम्लीय होगा, यानी कि कम खटास रहेगा, कम खटापन रहेगा, उसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। तो बोला जा रहा था सवाल में कि H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विलयन पर यही प्रभाव पड़ता है कि अगर विलयन अम्लीय प्रकृति की होगी, अम्लीय होगी, तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और यदि H प्लस आयन की सांद्रता घट रही है, इसका मतलब है कि अम्लीय मात्रा घट रही है और क्षारीय बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर
इसका ये आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। तो लिखा जाए क्वेश्चन, क्या क्षारकीय विलयन में, क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। चलिए क्वेश्चन पूरा हो गया, अब आप समझिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अम्ल जब होगा तो अम्ल तभी होगा जब खाली एच प्लस आयन ही होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। और क्षार तभी होगा जब उसमें ओ एच माइनस ही होगा, केवल होगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। आप समझिए, क्षार तभी कहलाता है, यानी कि कोई भी अगर पदार्थ क्षार है, इसका मतलब कि उसमें H प्लस भी है और OH माइनस भी है। लेकिन अगर दोनों मात्रा होती है, लेकिन OH माइनस अगर ज़्यादा होगा तब हम कहेंगे कि क्षार है, अगर H प्लस ज़्यादा होगा तब हम कहेंगे कि अम्ल है। यानी कि ध्यान से चीज़ों को समझिए, सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली मेरा कहना यह है कि कोई भी पदार्थ हो दोस्तों, चाहे वो अम्ल हो या क्षार हो, दोनों ही चीज़ मौजूद होते हैं। H प्लस भी मौजूद होते हैं, OH माइनस भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर उसमें H प्लस की संख्या या सांद्रता ज़्यादा होगा तब हम बोलेंगे कि वह अम्ल है, और यदि उसमें OH माइनस की सांद्रता ज़्यादा होगा हम बोलेंगे कि क्षार है। यानी कुल मिलाकर सवाल क्या बोल रहा था कि क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई जरूर होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर इज यस, होते हैं। लेकिन फिर कहा सवाल में कि तब यह क्षारकीय क्यों होता है। आप तो बताएं कि क्षार का पहचान है कि OH माइनस रहना चाहिए, तो इसका यह उत्तर होगा कि किसी क्षारकीय विलयन हो, चाहे अम्लीय विलयन हो, उसमें H प्लस भी होते हैं, OH माइनस भी होते हैं। लेकिन कोई भी क्षारकीय तब कहलाता है जब उसकी सांद्रता H प्लस से ज़्यादा हो जाए, या कोई अम्लीय तब कहलाएगा जब OH माइनस से H प्लस की मात्रा या सांद्रता ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर यही होगा कि इसमें OH माइनस आयन की सांद्रता ज़्यादा है किससे, H प्लस से, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्षारकीय होगा। चलिए इसका उत्तर लिखा जाए, उत्तर लिखेंगे आंसर में, क्षारकीय विलयन में एच प्लस आयन होते हैं, परंतु साथ ही उसमें OH माइनस आयन भी होते हैं। OH माइनस आयन भी होते हैं के बाद कॉमा, वे क्षारकीय इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की अपेक्षा अधिक होती है, जी हाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कोई भी विलयन क्षारकीय तब होगा, हालांकि H प्लस और OH माइनस तो हर किसी विलयन में होते हैं, लेकिन अगर OH माइनस की सांद्रता अगर H प्लस से ज़्यादा होगा हम बोलेंगे कि क्षार है, अगर H प्लस की संख्या OH माइनस से ज़्यादा होगा हम बोलेंगे अम्ल है, ठीक है। चलिए उसके बाद
ये जो क्वेश्चन है इसका यही आंसर होगा, ओ एच माइनस की सांद्रता ज़्यादा है एच प्लस से। चलिए अब लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, इस जो बीच में का प्रश्न है उसका चौथा क्वेश्चन लास्ट है, लिखा जाए फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलते पहले लिखा जाए, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना ब्रैकेट में कैल्शियम ऑक्साइड उसको कहते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा, बिना बुझा हुआ चूना लिखे ना, उसके ब्रैकेट में कैल्शियम ऑक्साइड, उसका अगर फार्मूला का बात करें तो CaO होता है, CaO, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी बोला जा रहा है, कॉमा करके फिर लिखिएगा बुझा हुआ चूना, इसको ब्रैकेट में करके लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं CaOH का होल टू, देख लिए ये है बुझा हुआ चूना का फार्मूला और ये है बिना बुझा चूना का फार्मूला, उसके बाद कॉमा ले लेंगे, कॉमा चौक 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 का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसका फार्मूला CaCO3 होता है, का उपयोग करेंगे, ब्रैकेट में कैल्शियम कार्बोनेट लिखने के बाद का उपयोग करेंगे। चलिए सवाल समझिए क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि कोई किसान है, खेत की जो मिट्टी होता है ना, खेत की मिट्टी को किस परिस्थिति में तीन चीज का इस्तेमाल करता है, एक है बिना बुझा हुआ चूना या चौक, यदि कि एक किसान है मिट्टी में मिलाता है क्या क्या मिलाता है, तो बिना बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जा रहा है, बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जा रहा है, या चौक मिलाता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, किस परिस्थिति में मिलाता है, आखिर क्यों मिलाता है, ये सवाल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब सारा जो चीज है या यौगिक है या केमिकल है, इसको मिट्टी में इसलिए मिलाया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े, उसमें उपज अच्छा हो सके, धान गेहूं इसमें जो खाद डालते हैं ना, तो खाद के रूप में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका उर्वरा शक्ति क्या हो, बढ़े, या फिर बोल सकते हैं कि मिट्टी जो ज़्यादा अम्लीय हो गया है उसको उदासीन करने के लिए ये सब का यूज किया जाता है, ताकि उस मिट्टी में किसी भी पौधे का अच्छा उपज हो सके। तो ये किस परिस्थिति में डालते हैं, यानी मिट्टी को उदासीन करने के लिए ताकि उसमें अच्छी उपज हो सके, इसीलिए इन तीनों का व्यवहार उपयोग करते हैं, यानी किसका किसका, बिना बुझा चूना और चौक का इस्तेमाल करते हैं। लिखा जाए उत्तर, कोई किसान खेत की मृदा कि अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना ब्रैकेट में कैल्शियम ऑक्साइड कॉमा बुझा हुआ चूना ब्रैकेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक 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 के ब्रैकेट में लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए करते हैं ताकि उस मिट्टी में अच्छी उपज हो सके। चलिए तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से प्रश्न हम लोगों का खत्म हो गया, फिर अगले दिन एक नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।